Other person, my doctor Sayusman, a person neurologist, Aerospel High Tech City. आज मनोनारस सीरीज के जरिए मैं कोरोना वायरस के बारे में कुछ अहम जानकारी देना चाहता हूँ। कोरोना वायरस में काफ़ी वायरस आते हैं, जैसा कि सर्स वायरस, मर्स वायरस और अभी जो चल रहा है कोविड-19 वायरस होते हैं। और ये इसका ओरिजिन चाइना के वुहान सिटी में 2019 दिसंबर में हुआ है, और इसीलिए WHO ने इसे कोविड-19 यानी कोरोना वायरस डिजीज 19 का नाम दिया है। ये एक आदमी से दूसरे आदमी को स्प्रेड होता है, और इसके कई ट्रांसमिशन मोड रहते हैं, जिसमें कॉमन और बहुत अहम ट्रांसमिशन मोड रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट के जरिए होता है। यानी जब कोरोना पॉजिटिव पेशेंट खांसता है या छींकता है या बात करता है, तो इसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स हवा में स्प्रेड हो जाते हैं, और जब हम 2 मीटर के फासले के अंदर रहते हैं तो हमें ये इन्फेक्शन आ सकता है। और दूसरा ट्रांसमिशन मोड, यानी जब हम कोई इन्फेक्टेड सर्फेस को टच कर लेते हैं या कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कोई सेक्रेशन को गलती से हाथ लगा लेते हैं, तो ये इन्फेक्शन हमारी बॉडी में दाखिल हो सकता है। और तीसरा ट्रांसमिशन मोड जो अनकॉमन रहता है, यानी स्टूल के जरिए भी स्प्रेड हो सकता है। जो कोरोना पॉजिटिव पेशेंट रहते हैं उनके स्टूल से कमोड्स और जो टॉयलेट सिंक रहते हैं वो भी कंटेमिनेट होते हैं, और इसका क्लिनिकल फीचर जानना बहुत ज़रूरी है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड 2 से 14 दिन तक रहता है, यानी जब इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर दाखिल होता है, और इसको इसके सिम्टम आने के लिए 2 से 14 दिन लगते हैं, और कॉमनली 5 दिन के अंदर सिम्टम डेवलप होना शुरू होते हैं। ये ज़्यादातर ओल्ड एज में इसका इन्फेक्शन कॉमन रहता है, और जो लोग 30 साल के ऊपर रहते हैं उनमें इन्फेक्शन कॉमन रहता है। बच्चों में ये इन्फेक्शन बहुत कम रहता है, और अगर इन्फेक्शन होता भी है बच्चों में तो इसके सिम्टम्स बहुत कम रहते हैं। और कॉमन सिम्टम्स ये रहते हैं कि काफ़ी लोगों को फीवर होता है, यानी 88% लोगों को फीवर होता है, 67% लोगों में सूखी खांसी होती है, 4% लोगों में थकान रहती है, 18% लोगों में दम चढ़ने का प्रॉब्लम रहता है, और 14% लोगों में बॉडी पेंस होते हैं। अनकॉमन सिम्टम्स भी रहते हैं, जैसा कि सर का दर्द, नज़ला, गले की खराश, वॉमिटिंग, लूज मोशन, ये अनकॉमन सिम्टम्स हैं जो 10% से कम लोगों में दिखाई देते हैं। और इसका स्पेक्ट्रम यानी अक्सर लोगों में, यानी 81% लोगों में ये डिजीज़ सेल्फ लिमिटिंग रहती है, और इसके सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं, और 15% लोगों में इसके सिम्टम ज़्यादा रहते हैं, जैसा कि दम चढ़ने की शिकायत और ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट जिसको ज़रूरी होता है और जिसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की ज़रूरत पड़ती है। 5% लोगों में ये डिजीज़ क्रिटिकल होती है, जैसा कि जिन्हें रेस्पिरेटरी फेलियर होता है और मल्टी ऑर्गन डिस्फंक्शन होता है, जिन्हें निमोनिया होता है और वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ती है। इनमें मॉर्टलिटी रेट बहुत कम रहता है, यानी 2 से 5% लोगों में मॉर्टलिटी रेट रहती है, और ये ज़्यादातर मॉर्टलिटी ओल्ड एज, जो बुज़ुर्ग लोग रहते हैं जिनमें ऑलरेडी डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रहता है, जिन्हें लंग प्रॉब्लम रहता है या हार्ट डिजीज़ रहती है, जिन्हें किडनी प्रॉब्लम रहता है, जो डायलिसिस की जिन्हें ज़रूरत पड़ती है, और जो कैंसर पेशेंट है, तो इनमें मॉर्टलिटी ज़्यादा रहती है। किन लोगों को टेस्ट करना ज़रूरी है? ICMR के मुताबिक कोविड टेस्ट करने की एक स्ट्रैटेजी रहती है, यानी जो पेशेंट सिम्टोमेटिक रहते हैं उन्हें चेक करना ज़रूरी रहता है, और जो सिम्टोमेटिक रहते हैं और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहते हैं उन्हें चेक करना ज़रूरी है। हेल्थ केयर वर्कर्स है जिन्हें सिम्टम्स रहते हैं उन्हें भी चेक करना ज़रूरी है, और जो कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ रहते हैं और जिन्हें सिम्टम नहीं रहते उन्हें भी चेक करना है, और जिन्हें सिम्टम नहीं रहते हैं और कोविड पॉजिटिव पेशेंट से फिज़िकल कांटेक्ट किया है, जैसा कि हाथ मिला है या गले मिला है, या कोविड पॉजिटिव पेशेंट के साथ 15 मिनट से ज़्यादा टाइम बिताया है, वो भी 2 मीटर के कम के फासले में, या उनके साथ कुछ क्लोज रूम में या कोई मीटिंग रूम में 15 मिनट से ज़्यादा टाइम रहा हो, वो भी 2 मीटर के कम फासले में, तो उन्हें भी चेक करना ज़रूरी है। और कुछ क्लस्टर केसेस में और क्लोज स्पेसेस में भी, हॉटस्पॉट्स में खासकर, उन्हें ऐसे लोगों को भी टेस्ट करना ज़रूरी है। और जो पेशेंट को सिम्टम्स माइल्ड रहते हैं उन्हें गवर्नमेंट के मॉनिटरिंग में होम क्वारंटाइन किया जाता है, और जिन्हें सिम्टम्स सीवियर रहते हैं, जैसा कि दम चढ़ने का प्रॉब्लम रहता है और जिन्हें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। और ट्रीटमेंट, इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं रहता है, ज़्यादातर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, जैसा कि आई फ्लूइड्स और पैरासिटामोल, एंटीबायोटिक्स, कुछ लोग को एंटी मलेरियल ड्रग्स जैसा कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, और एंटीवायरल ड्रग्स जैसा कि ओसल्टामिविर, लोपिनाविर और रेटोनाविर दिया जाता है, और इम्यूनोमॉड्यूलेटर्स दिया जाता है, लेकिन इसका कोई खास एविडेंस नहीं है। और वैक्सीन इस बीमारी के लिए अभी डेवलपमेंट फेस में है, और प्रिवेंशन ही इसका खास ट्रीटमेंट है। हमको चाहिए कि ज़्यादातर टाइम घर पर ही रहे और लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करें,
और बाहर जा रहे हैं तो खासकर जब हमको बहुत ज़रूरी है तो बाहर जाए, और बाहर जाने पर फेस मास्क पहनकर जाए जो गवर्नमेंट से मैंडेटरी करार दिया गया है। और बाहर जा रहे हैं तो हमको ये ख्याल रखना चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, यानी लोगों के भीतर 2 मीटर का फासला मेंटेन करें, और हमें मास गैदरिंग अवॉइड करें, और नॉन एसेंशियल ट्रैवल्स को अवॉइड करना चाहिए। और जो लोग बाहर काम करते हैं, जैसा कि बैंक में काम करते हैं या कोई ऑफिस में काम करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि फ़ोन को सैनिटाइज़ करें, और जो कंप्यूटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिन्हें ज़्यादा टच करते हैं, तो उन्हें चाहिए कि कंप्यूटर का माउस और उसका कीबोर्ड भी सैनिटाइज़ करें, हैंड सैनिटाइज़ फ्रीक्वेंटली करते रहें। और जब हम लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं तो लिफ्ट का बटन प्रेस करना है, या स्विचेस है जो कॉमन एरिया में रहते हैं जिन्हें स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना है, तो हमें फिंगर का इस्तेमाल ना करें और पेन से इसे प्रेस करें और इसे बाद में सैनिटाइज कर ले। और हमें चाहिए कि फेस को ज़्यादा टच ना करें, और फेस को टच करने से अवॉइड करें, और आँख नाक और मुंह को टच ना करें। और जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि कार के चाबी है या घर के चाबी है, इन्हें सैनिटाइज करें। और जब घर से बाहर जाकर घर में एंटर होते हैं तो हमें चाहिए कि शूज़ को बाहर रख दें, और इमीडिएटली घर में आने के बाद हमको हेड बाथ यानि साबुन से सर से नहा लें, ताकि हमारा कंटामिनेशन और जो इन्फेक्शन बॉडी पे सरफेस पे रहता है वो क्लीन हो जाता है। और घर के डोर नॉब्स को अच्छे से क्लीन करें और फ्लोर को अच्छे से क्लीन करें। मास्क का इस्तेमाल करना बहुत अहम रहता है। जो डिस्पोजेबल मास्क रहते हैं, जैसा कि सर्जिकल मास्क जो कॉमनली अवेलेबल है, इसे खाली 6 घंटे तक पहना जा सकता है। और ये सर्जिकल मास्क जब गीले हो जाते हैं तो इन्हें क्लोज्ड बिन में डिस्पोज कर देना चाहिए। और घर में बनाया हुआ मास्क, कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे कॉटन का डबल लेयर मास्क बनाया जा सकता है, और ये मास्क को रीयूज भी किया जा सकता है। और मास्क इस्तेमाल करने से पहले हमें हाथ को अच्छे से सैनिटाइज़ करना चाहिए, जिसके लिए सोप वाटर 40 सेकंड तक इस्तेमाल कर सकते हैं, या नहीं तो 70% अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और हाथ साफ़ करने के बाद हमें ये देखना चाहिए कि मास्क फ्रेश रहे, या नहीं तो अच्छे से क्लीन करा हुआ रहे। और टेक्निक यानी मास्क की पहनने की टेक्निक करेक्ट रहे, यानी हमको अच्छे से नाक मुंह और चिन को यानी थुड्डी को अच्छे से कवर करें, ऊपर का हिस्सा टाइट रहे और नीचे का हिस्सा थोड़ा सा लूज रहे, ताकि हम इसको अच्छे से ब्रीथ कर सके। और जब मास्क का इस्तेमाल करते हैं, और तो इसके बाद जब हम मास्क निकालते हैं तो इसे करेक्ट तरीके से निकालें, यानी डोरी के ज़रिए मास्क को निकालें और बाहर का हिस्सा ना टच करें। और मास्क पहनते समय उल्टा करके, यानी बाहर का हिस्सा अंदर करके ना इस्तेमाल करें, इससे कंटामिनेशन रिस्क ज़्यादा होता है और इन्फेक्शन होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। और जब मास्क निकालते हैं तो इमीडिएटली उसके बाद हाथ को अच्छे से सैनिटाइज कर ले, और मास्क को इमीडिएटली डेटॉल वाटर या नहीं तो सेवलॉन वाटर में डाल दे, जो थोड़ा कुनकुना पानी रहता है उसमें डाल दे, और उसके बाद उसे धोकर 5 घंटे के लिए धूप में सुखा दे, या नहीं तो इसे 15 मिनट के लिए कोई गर्म बॉइलिंग वाटर में रख दे और उसके बाद निकाल कर उसे सुखा दे। सुखाने के बाद 5 मिनट के लिए उसे इस्तरी कर दे, तो इस तरीके से मास्क अच्छे से क्लीन हो जाता है और इसके बाद हम इसे रीयूज़ कर सकते हैं। और मास्क इस्तेमाल करते समय ये जानना ज़रूरी है कि हमें फॉल्टी मास्क यानी फटा हुआ मास्क इस्तेमाल ना करें, और जो क्लीन मास्क नहीं रहता उसे ना पहने। तो मैं आपको टेक होम मैसेज ये देना चाहता हूँ कि हमें पैनिक होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और घर में रहें ज़्यादा टाइम, लॉकडाउन को अच्छे से फॉलो करिए, और बाहर जा रहे हैं तो मास्क ज़रूर पहने और करेक्ट टेक्निक से पहने, और हैंड फ्रीक्वेंटली सैनिटाइज करते रहें, और चेहरे को ना छिए, आँख नाक और मुँह को ना छिए, और हैंड हाइजीन मेंटेन करें। खुदा हाफिज़।